मतलब सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ। और जब वो मेरे ऊपर आती थी तो मैं अपना कंट्रोल लूज़ कर देता था, और मैं खाली ये बोलता था कि मुझे इसकी सोल कैसे भी करके चाहिए, मुझे इसको ले जाना है, मुझे इसको ले जाना है, मुझे इसको ले जाना है। दोस्तों आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले तहे दिल से शुक्रिया जो आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, कमेंट्स जितने ज़्यादा हो सके डालिए, आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट लोग मुझे भेजते हैं और मैं आपके सामने नैरेट करता हूँ, भेजने वाले का और मेरा जो रोल है वो सबसे बड़ा रोल यही है कि जो चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं, जो चीज़ें मैं समझ पा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, बेशक आप उस पर बिलीव ना करें, बेशक उसको आप एज ए एंटरटेनमेंट देखें, बट कहीं ना कहीं आप उससे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कुछ चीज़ें सीख सकते हैं ताकि किसी की गलती किसी की सीख हो पाए। मैं हमेशा यही चाहता हूं कि जो रियल इंसिडेंट मैं लेके आऊं उससे आप कुछ ना कुछ सीखे, कोई चीज़ आपके ऊपर हावी ना हो जाए जैसे हमारे जो भेजने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर चीज़ें चल रही हैं। आज का जो रियल इंसिडेंट बताने वाले हैं उनका नाम है अविराज, जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं। ये रियल इंसिडेंट उनके साथ 2018 में हुआ था। लेकिन इंसिडेंट पे पहुंचने से पहले थोड़ा सा अविराज के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था 2018 में, वो 10th क्लास में थे। उनकी फैमिली में उनकी मदर और एक छोटे भाई हैं। उनके फादर का उनकी मदर से डाइवोर्स तब हो गया था जब वो सिर्फ 5 साल के थे। लेकिन जो अजीब चीज़ मुझे सुनने में लगी, जो उन्होंने मुझे बताया कि जब अविराज 5 साल के थे और उनकी मम्मी और उनके पापा का डाइवोर्स हुआ था, उसके बाद उनके पापा कहाँ गायब हो गए आज तक उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला है। उन्होंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कि शायद चीज़ें बाद में ठीक हो जाए, लेकिन उनके पापा कभी कहीं नहीं मिले, आज तक वो कहाँ गायब है कुछ नहीं पता। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं रियल इंसिडेंट की ओर। अविराज ने मुझे बताया कि भाई हमारे घर में कभी खुशियों की कोई कमी नहीं रही, हमारे पापा नहीं थे लेकिन हमारी मदर ने इस तरीके से हमें पाला बड़ा किया कि कोई चीज़ की कमी नहीं थी। 2018 की बात है जब वो 10th क्लास में थे, 10th के उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले थे जो स्कूल कंडक्ट करते थे। उनका पहला एग्ज़ाम शायद एक महीने बाद था और तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही थी, जब अचानक से उनकी मामी का फ़ोन आता है, अविराज की मामी का, और वो बोलती है कि उनका जो बेटा है वो अविराज के घर पर आना चाहता है, क्योंकि शायद उनका मन नहीं लग रहा था अपने घर पर, वो भी उनकी मामी के इकलौते बेटे थे तो वो अविराज के घर पे आना चाहते थे। और अविराज की मम्मी ने बिल्कुल सिंपली बोल दिया, हाँ कोई नहीं भेज दो, यहाँ पर अविराज के साथ वो रह लेगा। अविराज का भाई उनसे काफ़ी छोटा है, 5-6 साल, तो जो मामी का लड़का था वो हम उम्र था उनकी, जो मामी के लड़के थे उनका नाम सौरभ है। सौरभ जब यहाँ पर आए थे तो बड़े अड़धंगे तरीके से आए थे, जैसे अपने साथ कुछ ऐसा सामान लेके आए थे जिस पर किसी ने ध्यान तो नहीं दिया। लेकिन अविराज ने बाद में बताया कि भाई कभी कभी जब हमारे यहाँ पर कोई आता है ना, हमारा अपना भी, तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने साथ लेकर क्या आए और लेकर क्या चला जाएगा और हमारे ऊपर क्या छोड़ जाएगा। ये चीज़ उन्होंने तब नहीं सोची जब वो सिर्फ 10th क्लास में थे, ना ही उनकी मम्मी ने सोची कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप कनेक्टिविटी निकाल पाएंगे आगे जाके, जो चीज़ें आपको पता चलेंगी। जब सौरभ अविराज के घर पर आ गए थे तो सौरभ उनसे ज़िद करते हैं कि भाई मैं काफ़ी टाइम से कहीं घूमने नहीं गया, तो मुझे कहीं घुमा के लेके आ जाओ। तो अविराज के पास 10th क्लास में स्कूटी हुआ करती थी और 2018 में वो स्कूटी पे घूमने निकलते हैं, और उनके घर के पास एक घाट था जिसका नाम था अरियाल घाट, जहाँ से गंगा नदी टच होके निकलती है। तो जब ये लोग जा रहे थे तो रास्ते में जो सौरभ था कुछ नारियल लेता है, कुछ लाल चुनिया लेता है, उसके पास शायद कोई और भी सामान था जिस पर अविराज ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि अविराज उस टाइम काफ़ी छोटे थे। ये लोग अरियाल घाट के पास जाते हैं और जो अविराज था वो बोलता है, भैया मैं तो काफ़ी बार घूम के आया हूँ यहाँ पर, आपको जाना है तो आप टहल लो। तो अविराज ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि सौरभ ऑलरेडी यही चाहता था कि जो अविराज था वो उनके साथ ना जाए। और जो अविराज ने देखा कि सौरभ जो है वो अरियाल घाट पर जाता है और गंगा में कोई चीज़ विसर्जित कर देता है, और आसपास कोई छोटी मोटी चीज़ें थी जो वहाँ पर गाड़ के आ जाते हैं। अब इन्हें क्या पता था कि इनके साथ कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिसको शायद ये ज़िंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जो चीज़ें इनके साथ हुई, भगवान न करे कभी आपके साथ हो। 2-3 दिन बीते और जो सौरभ थे वो अविराज के घर से अपने घर वापस चले गए, जो कि अयोध्या के रहने वाले थे। ये लोग इलाहाबाद में रहते थे और इलाहाबाद में धीरे धीरे जो अविराज से इनकी कंडीशन बिगड़ने लगी, इनके साथ स्लीप पैरालिसिस के अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो अविराज ने बताया कि अक्षय भाई स्लीप पैरालिसिस तो हर किसी के साथ होते हैं, लेकिन मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस इतने लंबे लंबे होने लगे कि मैं आंखें खोल के पड़ा रहता था और मुझसे हिला नहीं जाता था, और जैसे कोई चीज़ मेरी छाती पे बैठ के मुझे जान से मारने की कोशिश करती थी। मैं चिल्लाने की कोशिश करता था, मेरी आवाज़ मेरे मुंह से बाहर नहीं निकल पाती थी। मैं इधर उधर देखने की कोशिश करता था, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे आजू बाजू कुछ ऐसे लोग खड़े दिखते थे जो दिखने में सिर्फ और सिर्फ एंटिटीज़ होती थी, जिनका कोई फेस नहीं होता था,
जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बस वो मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, तेरा वक्त आ गया है अब तुझे हम ले जाएंगे, तेरा वक्त आ गया है अब हम तुझे ले जाएंगे, तुझे हमारे साथ जाना होगा, तुझे मरना होगा। हमेशा ये आवाज़ें उन्हें सुनाई देती थी और जब वो नींद से उठते थे तो वो सीधा अपनी मम्मी के पास भागते थे और मम्मी को बताते थे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। कुछ रातें बीतती हैं जब स्लीप पैरालिसिस की चीज़ें चलती रहती है विराज के साथ। उनकी मम्मी उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाती है। एक दिन डॉक्टर उन्हें देखता है और बोलता है कि कुछ भी नहीं है, नॉर्मली इनका फीवर होगा या कुछ ऐसा होगा, एग्ज़ाम का डिप्रेशन टेंशन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इस चीज़ को बढ़ावा मत दो। तो उनकी मम्मी को काउंसलिंग दी जाती है कि बच्चे की बात पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि बच्चा एग्ज़ाम टालने के लिए ये सब कुछ कर रहा हो। उनकी मम्मी भी यही सोचती है कि चलो ठीक है देखते हैं, दो तीन दिन और निकलती है तो वो नॉर्मली उन्हें जो है दवाई दे देते हैं सर दर्द की, चक्कर आने की, और वो लोग घर पर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये तो कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती थी उनकी कि वो लोग इस चीज़ को इतना हल्के में ले गए। घर पे जब ये लोग वापस आए तो इनकी मम्मी ने प्लान किया कि अविराज के कमरे में ही सोया जाएगा, नहीं तो अविराज की एक्टिविटीज़ को देखा जाएगा कि रात को इसे होता क्या है। तो अविराज बिस्तर पे सो रहे थे और उनका जो छोटे भाई थे वो भी दूसरे बिस्तर पे सो रहे थे, और उनकी जो मम्मी थी उनके लिए गर्म दूध लेके आई थी रात को। जब अविराज वहाँ पे सो रहे थे, उनकी मम्मी जब अंदर कमरे में आती है तो उनके भाई ने और उनकी मम्मी ने जो चीज़ देखी कि अविराज जिस बेड पे सो रहे हैं वो बेड अचानक से शेक करने लगता है, और अविराज जो थे वो स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन में आ जाते हैं, जो एक ही जगह पे देख के बस हिलने लग रहे थे बेड के साथ साथ। तो जब उनकी मदर पैर आगे बढ़ाती है तो कोई चीज़ अविराज के पैर को इतनी ज़ोर से उनके सामने खींचती है कि उसे बेड से गिरा देती है, और उनका जो छोटा भाई बगल में बैठ के देख रहा था इस चीज़ को, वो उठ के सीधा अपनी मम्मी के पास भागता है। अविराज को कैसे ना कैसे नींद से बाहर निकाला जाता है, और जब उसे बताई जाती है चीज़ें हुई क्या है, क्योंकि उनके छोटे भाई भी वहाँ पे थे, वो लोग तीनों भाग के फटाफट मंदिर वाले कमरे में आते हैं और हनुमान चालीसा प्ले करते हैं। इस चीज़ के होने के बाद थोड़ी सी उन्हें शांति मिलती है। अब ये चीज़ जो है अविराज की मम्मी किसको बताएं, कैसे बताएं, क्या हो रहा है, किसका सहारा ले, कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ऐसे टाइम में इंसान ब्लैंक हो जाता है। रात कैसे ना कैसे निकलती है, दिन आ जाते हैं। तो अविराज की मम्मी जो है किसी रिलेशन में ही एक फ़ीमेल थी, उनसे बात करती हैं, तो वो फ़ीमेल बोलती है कि देख ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, तू एक काम कर अविराज को मेहंदीपुर बालाजी लेके चली जा, वहाँ पे इसके दर्शन करवा के ला, जो भी चीज़ होगी वहीं से रुक जाएगी। अब ऐसा ही होता है, अविराज की जो मदर थी वो अविराज को बालाजी ले जाने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है, लेकिन अभी नहीं क्या पता था कि चीज़ें इनके साथ इतनी ज़्यादा बुरी होने वाली हैं। उस टाइम पे 2018 में इलाहाबाद में आरक्षण चल रहे थे किसी चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बाइक वगैरह सब निकलने के लिए बंद कर दी गई थी, रोड पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, और हालात ऐसे थे कि अगर आप गाड़ी लेके निकलोगे तो लोग उसमें आग लगा देंगे। इनकी मम्मी ड्राइवर से बात करती है और ड्राइवर पूरी तरीके से बोल देता है, देखो मैडम हम चल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आगरा से गाड़ी मिल जाएगी, हम चल देंगे, लेकिन आपको पहले ही बता दें आरक्षण चल रहे बाहर, अगर कोई ऊंच नीच हो गई, किसी ने गाड़ी में आग लगा दी तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी। ऐसे में एक मदर क्या सोचेगी, अविराज की मम्मी बोलती है कि आप लेके चलो, कुछ भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन हमें कैसे भी मेहंदीपुर बालाजी आप पहुँचा दो। तो कोई रिलेटिव आए थे जो उनके छोटे भाई का घर पर ध्यान रख रहे थे, ये लोग आगरा से गाड़ी पकड़ते हैं और गली गली से, गांव की गलियों से निकल निकल के ये लोग मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचने के बाद उनकी मदर ने उन्हें बाद में बताया कि अविराज के साथ हुआ क्या। अविराज ने जैसे ही वहां पर मेहंदीपुर बालाजी में कदम रखा और वो वहां पर बेहोश हो गए। कुछ पंडितों को बुलाया गया, पंडितों ने जब देखा तो पता चला कि अविराज के ऊपर 4 जिन छोड़े गए हैं, 4 जिन जो उसको बुरी तरीके से परेशान किया करते थे सुबह शाम, लेकिन अविराज जो था उस चीज़ को इग्नोर करता था, अपनी मम्मी को नहीं बताता था। अब हुआ क्या, जब वहाँ पे पंडित जी आए तो पंडित जी ने बोला कि ऐसा है, इसको अभी निकालने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन आज से इसे शांति मिल जाएगी। तो उनको अविराज को एक कलावा बांधने को दिया गया, वो कलावा वहाँ पर बांध लिया गया, और जब अविराज वहाँ से वापस आ गए तो हालात कुछ टाइम तक ठीक रहे। एग्ज़ाम का टाइम आ गया तो जिस दिन उनका पहला एग्ज़ाम था उस दिन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी, और जब नोटिस करा गया तो पता चला उनके हाथ से कलावा 3 दिन पहले उतर चुका था, कैसे उतरा कहाँ गया किसी को भी नहीं पता। पहला दिन था एग्ज़ाम का जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, और उनकी मदर ने बोला कि बेटा देख एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। उनको दवाई दी गई कि कहीं ना कहीं दवाई से आराम मिल जाए, तो फाइनली ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो स्कूल में फ़ोन करा गया कि भाई अविराज आज एग्ज़ाम नहीं देने आ पाएगा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें थी वो रुकी नहीं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, इतनी ज़्यादा जो आपने और मैंने कभी अपनी लाइफ में ना हो उसी की कामना की होगी।
अब 2018 में जब ये सब कुछ चल रहा था और ये लोग मेहंदीपुर बालाजी गए थे, तो अविराज की मम्मी को ऐसा लग रहा था वो अकेले ही ऐसे लोग हैं जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन वहाँ पर उन्हें दो फैमिलीज और मिलती है जिनमें एक लड़का था जिसका नाम था ध्रुव और एक लड़की थी जिसका नाम था शिवानी। ध्रुव के अंदर कम से कम 121 आत्माएं आती थी और शिवानी के ऊपर 102 प्रेत थे जो उसके साथ बहुत गलत काम किया करते थे। दो फैमिलीज और थी जो इनके कनेक्शन में रहती थी और ये लोग प्लान करते हैं, जैसे दूसरे बच्चे परेशान थे वैसे अविराज भी परेशान होता था। उनके हाथ से भी कलावे उतर गए थे या उनके साथ भी ऐसी अनहोनियाँ होती थी जिसकी वजह से जो भूत प्रेत थे वो उनके ऊपर वापस आ जाते थे। इस बार जब अविराज की मम्मी प्लान करती है कि अविराज को बालाजी लेके जाना है, तब तक आरक्षण तो ख़त्म हो गया था, लेकिन जब इस बार वो गाड़ी में उसे लेके जा रही थी तो गाड़ी में जो अविराज थे वो अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं और अविराज के कान में एक आवाज़ आती है कि तू तो बच जाएगा पर तेरे छोटे भाई को कौन बचाएगा। ये सुनने के बाद अविराज उठता है और अचानक से बोलता है मम्मी मम्मी छोटे भाई को दिक्कत है। तो उसकी मम्मी समझाती है कि छोटे भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे हनुमान चालीसा प्ले करके रिलेटिव के साथ छोड़ के हम घर पे आए हैं। लेकिन जैसे वो जो जिन था वो अविराज के कानों में घर कर गई थी कि उसके भाई के ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है। धीरे धीरे जब ये लोग मेहंदीपुर बालाजी की ओर बढ़ रहे थे तो अविराज को नींद आ जाती है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी में उनकी मदर ने जो अविराज के मुँह से सुना वो किसी की भी रूह कांपने के लिए काफ़ी है। उनकी मदर ने सुना कि अविराज के अंदर से दो तीन आवाज़ें आ रही हैं, नहीं छोड़ेंगे इसे, इसकी आत्मा को लेके जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे इसे, इसकी आत्मा को लेके जाएंगे। ये अविराज अपने मुंह से बोल रहे थे और अविराज को होश ही नहीं था, वो नींद में बड़बड़ा रहे थे कि बचा के दिखा, हम इसे लेके जाएंगे, हम इसे मार देंगे, हम इसे लेके जाएंगे। अविराज की जो मदर थी उसके सर पे हाथ फेरती है, हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू करती है। थोड़ी देर तक सब नॉर्मल हो जाते हैं और ये जब मेहंदीपुर बालाजी पहुँचते हैं तब वहाँ पे जो महापंडित है वो इन्हें बोलते हैं कि देखो हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार जो इसके ऊपर जिन हैं उन्हें हम यहीं रोक देंगे, लेकिन आगे जाके भी इसकी जो चीज़ें हैं ना वो इसे परेशान करेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो तंत्र मंत्र करा गया है वो बहुत अलग लेवल का करा गया है। तो ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ था कि वो तंत्र मंत्र करा किसने था। तो जो अविराज की मम्मी थी वो महापंडित से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे बता दो। महापंडित मना करते हैं क्योंकि इस फील्ड में अगर आप हो तो आपको पता होगा कि कभी भी नाम नहीं बताया जाता, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे, क्योंकि अविराज के पापा भी नहीं थे, ये चीज़ें सामने सामने कौन कर रहा है। तो महापंडित उन्हें बताते हैं कि आपकी जो मामी का लड़का है वो अपने साथ लेके आया था और वो अविराज के ऊपर जो चीज़ें हैं वो करके चला गया। तो जब रीज़न पूछा गया कि ऐसा क्यों करा सौरभ ने जो उनकी मामी का लड़का था, तो बताया गया कि मामी को ऑलरेडी ये चीज़ पता थी और सौरभ को इसी रीज़न से भेजा गया था कि अपनी बला वो किसी और पर डाल दे। और अविराज शिकार हो गया था, जब वो स्कूटी पर जा रहे थे तो उसने क्या करा था, अविराज का बाल निकाल लिया था सौरभ ने पीछे से, और उस पूरी जो तंत्र विद्या थी उसमें करके अपनी शुद्धि के लिए नारियल बहा दिया और वहाँ पर कुछ गुड़िया उड़िया कुछ ना कुछ गाड़ के आ गया था, जिसकी वजह से अविराज के ऊपर ये सारी चीज़ें हावी हो गई थी। यहाँ तक भी चीज़ें रुकी नहीं, वो जो बच्चे साथ में थे ध्रुव जिसके ऊपर बहुत सारे प्रेत आत्मा आ रखी थी, जो शिवानी आ रखी थी, वो भी वहाँ पर उस टाइम प्रेजेंट थे, वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए। अविराज ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैंने सामने सामने उनका एक्सॉर्सिज्म होते देखा है कि उनके अंदर से आत्माएं उनके शरीर में कैसे बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। शिवानी लिटरली अपनी कमर से ऊपर हवा में थी, उसके पैर और बस सर जो है ज़मीन पर थे, कमर पूरी ऊपर थी, और वो जो लड़का था ध्रुव उसने तो जैसे कोई पत्थर अपने शरीर पर रख लिया था, उसकी आवाज़ इतनी भारी हो गई थी जैसे उसके मुँह में किसी ने हाथ डाल दिया हो। जब अविराज अपनी मम्मी के साथ एक रात मेहंदीपुर बालाजी में रुके थे तो उनके कानों में एक आवाज़ आई थी और उनका मानना है वो आवाज़ बजरंगबली की थी, जहाँ पर बजरंगबली ने उनके कानों में बोला कि सबसे पहले तुम आज़ाद होगे, उसके बाद ध्रुव आज़ाद होगा और आखिरी में जो बच्ची शिवानी है वो आज़ाद होगी। और जिस तरीके से सीक्वेंस बताया गया था उसी तरीके से धीरे धीरे सबसे पहले जो अविराज थे उन्हें फ्री करा गया और फिर ध्रुव फ्री हुआ और फिर शिवानी फ्री हो गई। ये फैमिलीज आपस में कॉन्टैक्ट में थे, अभी तक ये लोग कॉन्टैक्ट में है, जहाँ पर बताया जाता है ध्रुव और शिवानी तो फिर भी ठीक हो गए, लेकिन अविराज के साथ अभी भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब अविराज ने बताया कि भाई कितनी बार ऐसा होता है कि मेरे साथ स्लीप पैरालिसिस अभी भी हो जाते हैं, मैं डर के मारे मम्मी को नहीं बताता। बालाजी महाराज ने उस चीज़ को हमारे पास से हटा तो दिया, लेकिन जब तांत्रिक से उन्होंने एक बार और दिखवाया तो तांत्रिक ने बताया कि इसका शरीर जो है वो अब एक खुली किताब बन चुका है, कभी भी कोई भी आत्मा इसके ऊपर प्रवेश कर सकती है। मतलब ये चीज़ सच है और इस चीज़ पर मैं भी बिलीव करता हूँ, अगर एक बार आप पोजेस हो गए तो आप बार बार पोजेस हो सकते हो, कोई भी आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है, इसलिए आपको हमेशा ताबीज़ या फिर कोई मौली या फिर कोई धागा दिया जाता है जो आपके शरीर को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन कुछ इंसान होते हैं जो सोचते हैं कि मैं फ्री हो गया हूँ
और उन चीज़ों को अपने शरीर से अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें रुकी नहीं, क्योंकि वो अविराज की कंडीशन से तो परेशान थे ही, लेकिन जिस प्रेत ने कहा था कि तेरे भाई के ऊपर दिक्कत होगी, तो अविराज ने बताया कि मेरा जो छोटा भाई है वो अपने बचपने में एक पटाखा जला रहा था दिवाली पे, उसका मसाला उछल के उसकी आँख में चला गया था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत होती थी। तो हमने उसका ऑपरेशन करवाया था कहीं चेन्नई से, और जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था सक्सेसफुल सर्जरी हुई है, बिल्कुल सही हो गया ऑपरेशन। लेकिन वो जो प्रेत था उसने कहा था मैं तेरे भाई को नहीं छोड़ूंगा, तो जो अविराज का भाई है वो इतना ज़्यादा परेशान हो रखा आज के टाइम पे कि उसे ढंग से दिखता ही नहीं है, वो पढ़ ही नहीं पाता। तो अविराज ने बोला कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर आई कि मेरे पापा नहीं है, मुझे कमाना पड़ेगा, मैंने अपनी पूरी किताबें छोड़ दी, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी, ऐसे ही मेरा भाई भी आज पढ़ नहीं पा रहा, किसी ने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया, हमें यह भी पता है कि हमारे ऊपर किसने किया है, लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उनसे पंगे ले और वो हमारे ऊपर और भी चीज़ें कर दें। उनकी मामी बीच में एक बार आई भी थी उनके घर पे, जब ये खुलासा हुआ था कि मामी ने करा है, और मामी उस दिन उन्हीं के साथ सो रही थी। अविराज ने बताया जिस दिन मेरी मामी आई थी रात को, वो मेरे पलंग के बगल में सो रही थी, उस दिन एक ऐसा स्लीप पैरालिसिस हुआ था जिसे मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। उस दिन ऐसा लगा जैसे मेरी मामी ने मेरे ऊपर हज़ारों प्रेत छोड़ दिए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था तब तक कि ये मेरे साथ कौन कर रहा है। अगर मुझे पता होता मेरी मामी मेरे साथ ये सब कुछ कर रही है, तो उसी रात शायद मैं उन्हें जान से मार देता, क्योंकि वो मेरे भाई को भी परेशान कर रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। जब वो मामी वहाँ से चली गई, तब उन्हें बाद में पता चला कि उनकी मामी उस दिन भी जब रात को अविराज के कमरे में सोई थी, ये बोल के कि मैं देखती हूँ रात को इसको क्या होता है, उस दिन भी अविराज के ऊपर कोई ना कोई काला टोटका, कोई काला मंत्र तंत्र किया गया था, जिसकी वजह से अविराज और ज़्यादा इन चीज़ों में फंसा हुआ है। आज तक भी अविराज इन चीज़ों से फ्री नहीं हो पाए हैं। उन्होंने हमें अप्रोच किया है, अब देखो हम उनके आगे कैसे हेल्प करते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन यहाँ से आपको बहुत बड़ी एक सीख मिलेगी कि अब आप चाचा, मामी, बुआ, ताया, ताऊ किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अगर कोई आपके घर पर आ रहा है, वो अपनी बला उतारने भी आ सकता है, और कोई आपके घर पर कुछ भिजवा रहा है तो उसमें भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो वशीकरण या फिर कुछ भी ब्लैक मैजिक करके आपको भेजी जा सकती है। और मैं आपको 100% गारंटी से बोल सकता हूँ कि जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं, उसमें कोई 100 में से 1% होगा जहाँ पर पता चलता है कि बाहर से कोई चीज़ आ गई, 99% किसी अपने का हाथ होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ जाओ, या उनके बच्चों से जो गलती हुई है वो आपके ऊपर डाल देंगे ताकि उनका बच्चा बच जाए। मैं यही कहूँगा एट दी एंड आके कि भगवान ना करे आपके साथ कभी कुछ ऐसा हो, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे सुनूंगा और फिर उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा जब वीडियो आए तो आपको इन्फॉर्म कर दूं, ताकि आप कमेंट कर दें, मैं उसे पिन कर दूं, ताकि लोग अगर कुछ पूछना चाहे तो वहाँ पर कमेंट्स में आपसे कुछ पूछ सकते हैं और आप उनकी क्वेरीज़ को आराम से डील कर सकते हो। वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं यही चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें स्टोरी भेज सकते हैं अगर आप व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल नहीं होते, जीमेल पे भी भेज सकते हैं अगर आप चाहे तो, रिकॉर्ड करके अगर आपको लग रहा फाइल बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। और एट द एंड यही कहूँगा, न्यू इंसिडेंट न्यू वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। आप विश्वास नहीं करोगे, कहीं पर भी कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, वो पता नहीं क्यों मुझे दिखती है। ये सारी चीज़ें मेरे मम्मी को, मेरे भाई को, सबको पता है, छोटे वाले भाई को भी पता है। लाइफ में ऐसा क्रॉस मचाया था ना भैया इन्होंने कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकता वो क्या थी क्या नहीं थी।